हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर कुमकुम। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्लीनिंग कर रही हूँ किचन की। तो आज मैं किचन की डिप क्लीनिंग करूँगी। तो ये जो शेल्फ है ना, इसे मैं अच्छे से टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ना जब डब्बे रखते हैं ना तो बहुत सारी धूल और ना कॉकरोच मुझे दिखा था, इस वजह से मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे कॉकरोच बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो पूरी किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं। तो डस्ट देखिए बहुत है, और थोड़ा सा किचन का सेटअप भी मैं चेंज करूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो हे एवरीवन, सबसे पहले सॉरी, क्योंकि जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मोबाइल में बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पाई आपके साथ क्लीनिंग। तो कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो गए हैं। तो अभी मैं सो जाऊंगी, मैं आपसे मिलती हूँ कल। तो हे एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ पे देखिए, मैं पराठा बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को आज ऑफिस जल्दी जाना है, तो मैं उन्हें गर्मा गर्म चाय और पराठा दे दूँगी। और पराठा ना चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, और आदि अभी तक उठा नहीं है। जब आदि उठ जाएगा तो मैं उसके लिए अलग सा बना दूँगी। तो चलिए आप लोग ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, मैं आपसे मिलती हूँ कुछ दिन के बाद। फ्रेंड, अभी करीब 12:30 बज गए होंगे दोपहर के। तो यहाँ पे मैं राइस बना रही हूँ, और हम लोग राइस को इस तरह से पानी बॉईल हो जाता है ना, तो मैं जो राइस को सोख करके रख देती हूँ वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये मिनी मोगरा राइस है, और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। और देखिए यहाँ पे मैंने सब्जी भी कट करके रख दिया है। आज मैं बनाऊँगी फ्लावर की सब्जी, कलौंजी ऐड करके, और उसमें आलू ऐड करूँगी। पतला सा थोड़ा सा करी टाइप बनाऊँगी मैं, बहुत अच्छा लगता है समर में ये। तो ये बन जाने के बाद फिर मैं आज किचन की थोड़ी जो ग्रॉसरी है वो मैं आज लाऊंगी। फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर कुमकुम। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। पंखा बंद है इसलिए गर्मी हो रही है। तो मॉर्निंग से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, पर मॉर्निंग से मैंने आपसे ठीक से बात नहीं किया था। अच्छा चलो अभी बात कर लेती हूँ। और कल मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की थी। डीप क्लीनिंग यानी कि जो भी डस्टिंग वस्टिंग रहता है ना वो किया था, और किचन का सेटअप भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैं आपको बैक कैमरा से बताती हूँ। और आज मैं एग्जॉस्ट फैन को क्लीन करूँगी, क्योंकि बहुत ही गंदा हो चुका है। देखिए आप, बहुत ही गंदा हो चुका है। और मनी प्लांट यहाँ पे एक लगा दिया है, यहाँ पे देखिए एक मनी प्लांट रख दिया है। ये भी एक मतलब डब्बा था, जो कि देखिए आप यहाँ से क्रैक हो गया है, तो मैंने सोचा चलो इसमें मनी प्लांट लगा देती हूँ और पेंट कर देती हूँ। तो पेंट करने से इस तरह से हो गया है। और ये तो आप जानते हैं यहाँ पे स्पून ही रहता है, पर यहाँ पे ना मैं जो बर्तन धोने का ये होता है ना साबुन रखते हैं जिसमें लिक्विड विक्विड वो रखती थी, तो अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। यहाँ पे मैंने ये तीन जार आते हैं ये रख दिया है। इसमें एक है कलौंजी इसके अंदर, और ये है रेड चिली पाउडर जो कि कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। ये है मेथी, और ये वाला ना यहाँ पे मैं रखती थी, ये वाला
ये वाला जो है यहाँ पे रख दी थी, अब मैंने यहाँ रख दिया है। कंटेनर को सब क्लीन करके ये जो सेजवान चटनी के जो भी कंटेनर है मैं उसे फेंक नहीं देती हूँ, उसे मैं यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि ये कांच के है ना तो बहुत दिखने में बहुत अच्छा लगता है। बस ये जो है ये वाला इसे मैं पेंट कर दूंगी ब्लैक कलर तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैं देखिए स्टिकर नहीं निकल रहा था तो मैंने जितना निकला मैंने निकाला, बाद में रख दिया। दो ये है, एक में मेथी है, एक में धनिया है, एक में शाही जीरा है, यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर रेड चिली है। आ जाते हैं ये भी DIY है। ये दो ग्लास जो होते हैं ना थर्माकोल जैसे, उसे मैंने पेंट करके इस तरह से बनाया था। तो मैं इसके अंदर टिश्यू रख दी थी तो मैंने सोचा वो सूप के जो स्पून होते हैं वो मैं रख दूंगी। तो देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल। और उसके बाद ये है जो कि कैप्सिकम के डब्बे हैं, तो इसके अंदर धनिया है, इसके अंदर रेड चिली पाउडर रहता है, इसके अंदर हल्दी पाउडर, और इसके अंदर मैंने अभी इलायची रखा है जो कि इलायची पाउडर भी मुझे भी बनाना है। इसके अंदर दाल है जो दाल होता है ना चाट बना के खाते हैं वो, और इसके अंदर सूजी है, अभी इसके अंदर भी मुझे सब ऐड करना है जो भी रखना है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो इसके अंदर चीनी है, इसके अंदर चाय पत्ती है, और ये है पापड़ जो कि नली बोलते हैं हम लोग में, वो पापड़ अच्छा लगता है आदि को तो इसलिए मैं ला के रख दी थी। ये सब डब्बे खाली है, इनके अंदर भी सामान रखना है। एडजस्ट फैन को क्लीन करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, और ये एक ना फूल के जो बास्केट होते हैं ना वो था, तो मैंने उसके अंदर जो टिश्यू जिससे उन्होंने फिलअप किया था तो वो मैंने निकाल के, अभी ये भी मैं काम में आ जाएगा, जब मैं बर्तन धोऊंगी तो मैं रख दूंगी। और कल काम करते करते देखिए सॉस पैन का ये जो हैंडल है वो टूट गया है। ये सॉस पैन कम से कम 4 साल हो गया है, पर बहुत ही अच्छा है। ये नॉन स्टिक जैसा है, इसमें चिपकता भी नहीं है कुछ भी। अगर आप ये बनाओगे ना कैरेमल बनाते हो तो मैं ज़्यादातर इसमें बनाती हूँ। तो चलिए चाय बनाती हूँ। तो आपको कैसा लगा, इस तरह से थोड़ा सा सेटअप चेंज करते हैं ना किचन का तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं इनके अंदर जो भी सामान है वो रख दूंगी, ये जो कंटेनर है इनके अंदर भी रखना है। और राइस को मैं सोच रही हूँ कहाँ रखूँ, देखिए वहाँ पे राइस है तो मैं सोच रही हूँ कहाँ रखूँ राइस को। मैं सोच रही हूँ ये वाला जो डब्बा है इसके अंदर रख दूंगी, किचन छोटा है ना तो सामान मैं कहाँ रखूँ ये सोचने में ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसके अंदर मैं सोच रही हूँ क्लीन करके आलू प्याज को रख देती हूँ। तो ये सारे काम मैं आज करूँगी क्योंकि आज मुझे डिनर नहीं बनाना है। तो देखिए मैंने इसमें ग्रॉसरी रख दी है, एक में पॉपकॉर्न, एक में सोयाबीन, सूजी, सेवई। तो अगर आप ना इस तरह से किचन का सेटअप थोड़ा सा चेंज करते हो ना तो आपको किचन में काम करने का मन और भी करता है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।